दोस्तों। तो गाइस मैं अभी चांदनी चौक आया हुआ था, तो यहाँ पे एक नया मॉल खुला है, ये ओमेक्स मॉल खुला है यहाँ पर। और अगर इसकी पहली लुक की बात करी जाए तो बाहर से तो देखने में कोई इसको कह नहीं सकता कि ये मॉल है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। और ये सामने देख लीजिए, ये इसका एग्जिट गेट है और एंट्री गेट इसके थोड़ी सी जस्ट आगे है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर। तो चलिए एंट्री करते हैं और आपसे अब जल्दी आपसे मॉल के अंदर मिलते हैं। एंट्री करते ही ये मॉल की फर्स्ट लुक है, दावतपुर सिटी ऑफ फूड ये, और ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ सामने। और ये नया मॉल खुला है तो यहाँ पे बहुत जने आए हैं, जैसे ये फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे इस मॉल में। और ये सामने एक गैलरी बनी पड़ी है, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और आपको अगर ज्वेलरी खरीदना है यहाँ पे तनिष्क भी है। और इस गैलरी से निकलते यहाँ पे एक हॉल है, और मेन इस मॉल की खासियत इस हॉल के ऊपर जो छत है वो है, देखिए आप क्या डिज़ाइन बना रखा है यहाँ पे, ये देखने में बहुत ही यूनिक है। और ये चीज़ मैंने अभी तक दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं देखी है, ये दिल्ली में चांदनी चौक पे मॉल बनाया नया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहीं देखने को मिली है। और बाकी मैंने और भी बहुत से मॉल घूमे हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है मेरे को अभी तक। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और इस शॉपिंग मॉल में 3 फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है जिस पे अभी काम चल रहा है, और सेकंड फ्लोर है जो कि फूड कोर्ट है पूरा का पूरा, वहाँ पे और कोई शॉप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फूड कोर्ट है। और चलिए अभी चलते हैं ऊपर, ये तो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे मॉल। तो चलिए चलते हैं ऊपर और आपको फूड कोर्ट दिखाते हैं यहाँ पे। और मेरे को ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो कि ये हम बनाया है इन्होंने। ये इसका थर्ड फ्लोर है, और आप जैसे ही ऊपर थर्ड फ्लोर पे आओगे आपको सीधे हाथ पे आपको हल्दीराम देखने को मिल जाएगा। हल्दीराम है यहाँ पे, और भी बहुत सी आपको यहाँ खाने को मिल जाएंगे, चाइनीज़ फूड, वाओ, बर्गर किंग, यहाँ पे बहुत सी शॉप है। और जहाँ तक मैंने इसको देखा है और घुमा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 से 200 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इस साइड भी है पूरी रो, और पल्ली साइड भी है, आपको पल्ली साइड भी लेके चलते हैं जल्दी, तो आप वहाँ भी देखिए। और ये देखिए मॉल के थर्ड फ्लोर पे ये छोटा सा फाउंटेन भी बना रखा है। जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है, छोटा सा फाउंटेन। और फाउंटेन से थोड़ा सा आगे निकलती ये लिफ्ट है, दोनों आमने सामने। और ये सामने इसका ये देखिए लिफ्ट है, और ये इसके सामने इसका सेकंड पार्ट है फूड कोर्ट का। और यहाँ दोनों को मिला के आप 200 लोगों की कैपेसिटी है थर्ड फ्लोर पे बिठाने की, तो आप देख सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है और जो पार्टीशन है, हर थोड़ी सी देर में अलग अलग पार्टीशन पे अलग अलग टाइप की थीम बना रखी है। जब तक आप आओगे नहीं तो आपको और अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। आपको मेरे को नहीं पता कि आपको ये वीडियो में कैसा दिख रहा है, बट आप
आओगे इस मॉल में विजिट करोगे और आप अपनी आंखों से देखोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप आइए और इस मॉल को एक बार ही ज़रूर एक्सप्लोर करके जाइए। और मेन चीज़ और कि यहाँ पे आपको PVR नहीं मिलेगा देखने को, ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए है। तो चांदनी चौक अपनी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, शॉपिंग और खाने के लिए। और आप इस वीडियो को देखिए, आपसे थोड़ी सी देर में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अलग थीम है और यहाँ पे देखिए अलग थीम है, फूड कोर्ट में ही 4 अलग अलग तरीके की थीम है, जो कि शायद आपने नोटिस करी होगी वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 अलग अलग थीम है यहाँ पे। और ये सामने आपको ये दिख रहा मिरर, वो पार्किंग है, पार्किंग एरिया, कि आप अगर आप कार से आ रहे हो तो आप सीधा यहाँ से भी कार के अंदर बैठ के निकल सकते हो पार्किंग से बाहर और आ भी सकते हो एंट्री, बट अभी बंद कर रखी है। और अभी मॉल पूरे अच्छी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर ही ओपन हुए हैं। ये फूड कोर्ट के बगल में ये छोटी सी गैलरी है, तो यहाँ वॉक करते हुए देखिए, और ये डिज़ाइन देखिए, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ताजमहल या पुरानी कोई चीज़ देख रहे हैं। और ये यहाँ पे ये फूड कोर्ट है। बात ऐसी है कि इस मॉल को देखने के लिए आप ज़रूर आए, ये मॉल बहुत बढ़िया बना रखा है यहाँ पे चांदनी चौक में, मेट्रो गेट के 5 नंबर गेट से बाहर निकलते ही उल्टे हाथ पे आ जाएगी मॉल। और मॉल तो बहुत बढ़िया बना रखा है, बट अभी पूरा नहीं बना है, इसका ग्राउंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर बना है, बीच में अभी काम चल रहा है। ये देखिए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर घूमते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए ऊपर का डिज़ाइन क्या मस्त लग रहा है ये देखने में। मैंने ऐसा डिज़ाइन कभी अभी तक तो किसी मॉल में नहीं देखा है दिल्ली में। तो चलिए जल्दी चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। देखिए हम मॉल में एंटर होते के साथ हम सीधे चले गए थे, अब हम मॉल के हाथ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये शॉप है, ये ज्वेलरी की शॉप है आधे से ज़्यादा। यहाँ पे अभी बस ज़्यादा अभी शॉप ओपन नहीं हुई है, अभी कमी है, और बाकी अभी इस मॉल में काम चल रहा है। बस 2 ही फ्लोर ओपन हुए हैं इसके, एक ग्राउंड फ्लोर एक थर्ड फ्लोर। हाँ तो फाइनली गाइस, मैं मॉल से बाहर आ चुका हूँ, और अगर आप इस मॉल को विज़िट करना चाहते हो तो आपको नियर मेट्रो पड़ेगी चांदनी चौक, और चांदनी चौक के आप 5 नंबर गेट और 2 नंबर गेट दोनों से बाहर निकलते ही आपको जब मॉल दिख जाएगा, और 5 से आओगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड और 2 से आओगे तो राइट हैंड साइड तो में आपको ये मॉल दिख जाएगा। मुझे देखिए जैसा मैं आपको पुराने समय की कार दिख जाएंगी राजा महाराजाओं के समय की, कौन से सन की ये कार है, बट दिखने में तो और कंडीशन वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है।
देखिए गाइस, वो सामने गुरुद्वारा है चांदनी चौक पे, तो बिल्कुल उसी के पास में है ये मॉल। ये देखिए गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये मॉल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और मैं यही आपको बोलूँगा कि इस मॉल को आगे ज़रूर देखिए, और जल्दी हम गाइस जल्दी हम एक नई जर्नी करने वाले हैं, जो कि गुजरात की होने वाली है। बहुत ही लॉन्ग जर्नी होने वाली है हमारी, और स्पेशली सोमनाथ मंदिर द्वारका जी के लिए हम जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक जाएंगे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आपसे जल्दी आगे मिलते हैं और एक नई वीडियो में।